हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु का विकास पूरी तरह से अपनी माँ पे निर्भर करता है। प्रेग्नेंट महिला जितने अच्छे से अपना ख्याल रखती है उनका शिशु उतना अच्छा ही होता है, यानी कि उनका शिशु स्वस्थ होता है। पर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, छोटी छोटी गलतियाँ प्रेग्नेंट महिला कर जाती है, इसकी वजह से उन्हें काफी कठिनाइयाँ होने लगती है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे गर्भावस्था में परेशान रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि गर्भ में शिशु को दिक्कत कब कब होती है और महिला को क्या करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी कारण यदि प्रेग्नेंट महिला के पेट पे दबाव पड़ता है, जैसे कि वो जब झुककर काम करती है, पेट के बल काम करती है, संबंध बनाते समय ध्यान नहीं रखती है, उल्टा सोती है, जैसे उनके पेट पे दबाव पड़ता है दोस्तों, गर्भ में बच्चा असहज महसूस करने लगता है और शिशु को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, आप भी बीमार हो जाती हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। बच्चे का शारीरिक विकास बढ़ने के साथ साथ शिशु के अंगों का विकास भी शुरू हो जाता है। ऐसे में जब गर्भ में बच्चा कोई तेज आवाज सुनता है तो घबरा जाता है, जिसके कारण गर्भ में शिशु डर कर तेजी से हलचल करना शुरू कर देता है और फिर उस समय वो असहज महसूस करता है, दिक्कत होने लगती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, ज्यादा तेज आवाज में कुछ भी चीज आप नहीं करें, वैसी जगह में नहीं जाएं जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा हो। जब महिला तनाव लेती है दोस्तों, तो भी गर्भ में शिशु असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा माना जाता है कि जब माँ खुश होती है तो पेट में पल रहा शिशु भी खुश होता है, और जब माँ परेशान रहती है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर उनके गर्भ पे पड़ता है, उनके घर में पल रहे शिशु पर पड़ता है। उसके बाद अगर शिशु का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है तो प्रेग्नेंट महिला को अपने खान पान का, अपने हेल्थ चेकअप का अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि शिशु का विकास अच्छे से हो। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आप कभी भी लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो आपके शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होगा दोस्तों। और आपके शिशु का विकास सही से नहीं होगा तो आपका शिशु असहज महसूस करेगा आपके गर्भ में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान अपने साइज से थोड़े खुले सूती और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, ताकि गर्भ को कोई दिक्कत नहीं हो। ज्यादा टाइट कपड़े आप पहनेंगी तो आप ही परेशानी में आ जाएंगी और आपका बच्चा असहज महसूस करेगा गर्भ में। आपको इन बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि पेट पे दबाव नहीं पड़े और शिशु का विकास सही तरीके से हो और उनको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप अपने कपड़े पे, पहनावे पे जरूर ध्यान दें। उसके बाद गर्भावस्था के आखिरी दिनों में शिशु का विकास अच्छे से हो चुका होता है, ऐसे में शिशु को घूमने के लिए उतनी जगह नहीं मिलती है, शिशु की मूवमेंट कम हो जाती है और शिशु असहज महसूस करने लगता है, शिशु को दिक्कत होने लगती है। तो आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको वैसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिसे शिशु दिक्कत में आ जाए। आप आराम से सोएं, आप वैसे जगह तंग जगह पे नहीं सोएं, तंग जगह पे नहीं बैठें, क्योंकि आपको खुद पता है दोस्तों, जब आप खुद ही परेशान होंगी तो आपका शिशु कितना परेशान होगा। अंतिम महीने में तो ये समस्या और भी ज्यादा हो जाती है। तो गर्भ में शिशु को होने वाली दिक्कत से बचाने के क्या उपाय है? तो महिला को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके पेट पे दबाव पड़े। ज्यादा तेज आवाज में गाने नहीं सुने, ऐसे जगह पे नहीं जाएं जहाँ पे बहुत तेज आवाज हो रही हो, ऐसे जगह पे आप नहीं जाएं जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा हो। तनाव बिल्कुल भी नहीं लें दोस्तों, हमेशा आप खुश रहें। अपने पहनावे पे जरूर ध्यान रखें, अपने खान पान पे जरूर अच्छे से ध्यान रखें, ताकि शिशु तक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल सके और शिशु का विकास सही तरीके से हो सके, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों में संबंध बनाने से बचने चाहिए, ताकि किसी भी समस्या से बचा जा सके। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों, अगर इन बातों को ध्यान रखती हैं तो आपके घर में पल रहा शिशु असहज महसूस नहीं करेगा, शिशु को कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब शिशु को दिक्कत नहीं होगी तो आपको भी परेशानियां नहीं होगी। तो आपको तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।